सात दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए. हमारे सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है. हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है इसीलिए. बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है. अब तक जो भी कुछ आया है लोगों ने बहुत प्यार दिया है. होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है. जफर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे जिंदगी के लिए, बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये. ये बोलते हैं जफर की बोली है बंदूक की गोली. तो जफर का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए. एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण एंड साजिद सर एंड फॉक्स के जो होप्स है फिल्म पे. आई होप वी कैन ऑल आई थिंक यू डेफिनेटली डन इट. वरुण ने बहुत हार्ड वर्क किया इस रोल के लिए. इट्स ऑल बीन सो पॉजिटिव एक्चुअली. बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शन फीडबैक मिला है, ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों से बट यू नो इतने सारे जो फैंस हैं, इतने सारे लोग जो मूवीज़ के शौकीन हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्म हमने बहुत समय से नहीं देखी है. एंड जो ग्रैंडर एंड जो मतलब मैग्निफिसेंस है जो ट्रेलर में दिख रहा है, आई थिंक वो बहुत टाइम से नहीं देखा. सो इट्स ऑल बीन रियली रियली पॉजिटिव. बहुत लोगों के, इंडस्ट्री के लोगों के मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आए हैं, एंड एवरीवन इज रियली एक्साइटेड. तो हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है उसी वजह से. वेल आई थिंक एज सोना सेड, एवरी एक्टर, एवरी यंग गर्ल हैज आइडलाइज माधुरी मैम इन सम वे ऑर द अदर, विद हर ग्रेस, हर डांस, इवन हर स्माइल. एंड इट वॉज वेरी वेरी इनकरेजिंग फॉर मी टू हैव हर प्रेजेंट देयर. Actually smiling at me, and actually supporting me, you know, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learned a lot from in my life. ये काफी challenging था क्योंकि you're right, I've never played a character like this before. पहली बात तो ये कि एक period film है, and that's a film I've never done a period film before. तो उस चीज़ को समझना काफी मुश्किल था. I tried to do as much research as I could. काफ़ी फिल्में देखी पुरानी, किताबें पढ़े. माई कैरेक्टर्स, हमारी फिल्म जो है 1940s में सेट है और उस टाइम की पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा कंसर्न है, और मेरा कैरेक्टर उस टाइम की पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी वेल इन्फॉर्म था. तो उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था मैंने, बिकॉज आई हैड टू फील समवॉट कॉन्फिडेंट अबाउट प्लेइंग दिस कैरेक्टर. आई हैड टू डू ऑल ऑफ दैट. आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल है. एक तरफा प्यार जो होता है, जहाँ आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, यू कांट बी विद दैट पर्सन, यू नो वी नो दैट. बट कभी कभी प्यार दोनों तरफ से होता है, एंड बोथ पीपल लव ईच अदर एंड दे स्टिल कांट बी विद ईच अदर. सो वो ये सब जो चीज़ें होती है, आई थिंक मेक वेरी इंटरेस्टिंग. ये सिचुएशंस आज के टाइम में होता है. इटर्नल लव डज, पहले जब ये प्रश्न मेरे को पूछा था तो इवन आई वॉज थिंकिंग, बट देर आर सो मेनी स्टोरीज वी रीड, यू नो, होल डे वी कीप रीडिंग इन द पेपर, यू हियर ऑफ लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते यार आजकल, और हमेशा करते रहेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. एंड आई थिंक लव इज लव. हमारा ये जो इटर्नल मींस व्हाट, फॉरएवर, लाइक अंटिल दैट यू, द डे दैट यू आर अलाइव, फॉरएवर एंड एवर, इवन आफ्टर यू आर प्रोबब्ली डेड एंड गॉन. बट जब आप प्यार करते हो तो आप प्यार करते हो, देयर इज नो थिंग ऑफ मैं कम 10% कम 20% ज्यादा. इन योर हार्ट और इन योर लाइफ, व्हेन यू फील ट्रू लव, इट ऑलवेज फील्स लाइक इटर्नल लव.